क्रिकेट के इतिहास का पहला और सबसे बड़ा स्टिंग है ऑपरेशन फिक्सिंग। यह स्टिंग ऑपरेशन 13 वर्ष पहले तहलका ने किया था, जिसके बाद क्रिकेट की दुनिया में भूचाल आ गया था। फिक्सिंग का खेल समझने के लिए इंडिया टीवी तहलका का स्टिंग ऑपरेशन दिखा रहा है। इंडिया टीवी ने अपने स्तर पर इस स्टिंग ऑपरेशन की प्रामाणिकता की जांच नहीं की है। अब तक आपने देखा तहलका के लिए पूर्व क्रिकेटर मनोज प्रभाकर के स्टिंग ऑपरेशन में किरण मोरे ने 1993 में इंडिया श्रीलंका के मैच पर फिक्सिंग को लेकर सवाल उठाए। मोरे के अलावा स्टिंग ऑपरेशन में महाराष्ट्र के एटीएस चीफ राकेश मारिया ने यह दावा किया कि 70 के दशक से फिक्सिंग चली आ रही है, जो अजहर की कप्तानी में आते आते बढ़ गई। इसके अलावा आपने यह भी देखा कि 1998 और 1999 में मैच फिक्सिंग को लेकर कपिल देव, अजहरुद्दीन और अजय जडेजा पर बीसीसीआई के पूर्व सचिव जयवंत लेले ने सवाल उठाए। अब हम आपको दिखाते हैं सुनील गावस्कर का स्टिंग ऑपरेशन। इसमें वो खुद बताते हैं कि कैसे फिक्सिंग के सबसे बड़े आरोपी संजीव चावला ने अजहरुद्दीन को एक महंगी सोने की घड़ी खरीदने के लिए हवाला के जरिए 5,00,000 रुपए पहुंचाए। सुनील गावस्कर और मनोज प्रभाकर के बीच अजहरुद्दीन को लेकर बातचीत हो रही थी। इसी दौरान अचानक सुनील गावस्कर ये बताने लगे कि फिक्सर संजीव चावला और अजहरुद्दीन के बीच गहरे रिश्ते थे। उन्होंने सबसे पहले अजहरुद्दीन के हाई प्रोफाइल रहन सहन को लेकर सवाल उठाया और कहा कि उनके साथ जरूर कुछ गड़बड़ थी, क्योंकि वो विदेशी दौरों पर भी लाखों रुपए की शॉपिंग करते थे। गावस्कर अपनी बात को पुख्ता करने के लिए लंदन या जिम्बाब्वे में खरीदी गई एक सोने की घड़ी का जिक्र करते हैं। उसका कुछ गड़बड़ हो, उसने कुछ जिम्बाब्वे में कुछ ये घड़ी या कुछ सोना बोना कुछ लिया था और उसके पास पैसे नहीं थे। हाँ, नहीं थी देने के लिए, तो उसने उसके पैसे लंदन वाला कौन है, लंदन तो जिसका नाम आ रहा है संजय कालरा, कोई संजीव कालरा, हाँ लंदन में छुपा है, छुपा हुआ है और मिल नहीं रहा, उसने पैसे उसके लिए ट्रांसफर किए। अरे घड़ी की जो घड़ी आ रही कि घड़ी खरीदी कहाँ पर, जिम्बाब्वे या इंग्लैंड में कहीं पर खरीदी हो। जिम्बाब्वे या इंग्लैंड में खरीदी गई घड़ी के लिए अजहर के पास पैसे नहीं थे। गावस्कर का कहना है कि विदेश में होने के बावजूद अजहरुद्दीन को पैसों की कोई समस्या नहीं हुई और उन्होंने फिक्सर संजीव चावला को फोन करके घड़ी खरीदने के लिए रुपए मंगवा लिए। गावस्कर के मुताबिक वो रकम $10,000 यानी करीब 5,00,000 रुपए थी। घड़ी खरीदी कहाँ पर, जिम्बाब्वे या इंग्लैंड में कहीं पर खरीदी, जिसके $10,000 उसने ट्रांसफर खड़ी खरीदने की बात को बीच में ही छोड़कर मनोज प्रभाकर सीधे मुद्दे पर आ गए। उन्होंने एक बार फिर गावस्कर से फिक्सिंग को लेकर शामिल एक खास क्रिकेटर का नाम उनसे पूछने की कोशिश की। बातचीत के दौरान गावस्कर ने उस क्रिकेटर का सीधा नाम लेने की बजाय अपने आर्टिकल का हवाला दिया। आर्टिकल में उन्होंने सिर्फ इशारा किया था और मनोज प्रभाकर बार बार उसी इशारे के पीछे छिपे असली चेहरे का नाम पूछ रहे थे। Like I wrote in my article, you have to give a hint. Something. नहीं, पर वो तो आपने दे दिया हिंट अपने आर्टिकल में। क्या? कि this is not from the management. वो तो this is somebody else. हाँ, वो तो मैंने बोल दिया। वो मैंने भी दिया। हाँ। ये बाकी के 11 जने हैं। हाँ, लोग सारे ये सोचते हुए आए हैं कि मैं अजहरुद्दीन के बारे में बात कर रहा हूँ। सारे मतलब ए टू जेड चैट शो पे भी बैठूंगा, अजहरुद्दीन है कि नहीं, अजहरुद्दीन है कि नहीं, अजहरुद्दीन है कि नहीं, यही होता है। तो अब मैं ये आपको भी पता है वो कौन है आदमी, मुझे पता नहीं सच में। मनोज प्रभाकर से हुई बातचीत में अब तक गावस्कर ने एक बार भी फिक्सिंग में शामिल किसी क्रिकेटर का नाम नहीं लिया था, लेकिन प्रभाकर ने गावस्कर को श्रीलंका में हुए एक मैच की याद दिलाई। उनसे जोर देकर ये भी कहा कि उन्हें नाम मालूम है लेकिन वो जानबूझकर नहीं बताना चाहते। जब मैं श्रीलंका में आप और रवि भाई दीवार पे बैठे हुए थे, मैं आया आपके पास, मैंने कहा ये हुआ है आज, यू सेड आई न्यू इट बिफोर,
आप दीवार पे बैठे हो, कौन सा स्टेडियम है? एक वो वाला, हाँ दूसरा वाला, दीवार पे बैठे हो जो वॉश आउट, जो छोटा मैच रह गया उस मैच के पहले। और अब आपको पता है मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, अब मुझे बताइए। I honestly did not know because when you came and said, I remember saying carry on with the game or something, forget it, you just go and play. I remember, but I can't. You didn't tell me the name then. Did you? <laughs> <laughs> Kya baat kar rahe ho? No, I don't think so. Ravi does. Ravi, remember? Ravi bol raha hai ki haan tune aage bola tha. Anyway. I really didn't. So I kept on. People ask me. I said, I honestly do not know. अगर मुझे मालूम होता तो मैं मेरे आर्टिकल में हिंट देता यार, मेरे आर्टिकल में। That's why I said I should give a hint. Tall, strong, you know, छोटा मोटा, you know, दाढ़ी वाला, मुछे वाला, काला गोरा। सुनील गावस्कर ने फिक्सिंग को लेकर किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन अजहरुद्दीन और फिक्सर संजीव चावला के बीच गहरे रिश्ते होने की बात जरूर कबूल की। साथ ही उन्होंने संजीव चावला के एक और फिक्सर साथी राजेश कालरा का नाम लिया, लेकिन गावस्कर ने इस बात पर अफसोस जताया कि फिक्सिंग को लेकर सिर्फ खिलाड़ियों के नाम ही सामने आ रहे हैं, सट्टेबाजों के नहीं। उन्होंने मनोज प्रभाकर से बातचीत में फिक्सिंग रोकने को लेकर पुलिस के बेपरवाह रवैये पर भी सवाल उठाए। अब तो मुझे बताइए, राजेश कलरा की बात कर रही है, राजेश कलरा का नाम आ गया तो 3 साल पहले कलकत्ता पुलिस ने, जो किसी ने कलकत्ता पुलिस ने रेड मारी थी वहाँ उनके वहाँ, उसका नाम उस डायरी में आया तो 3 साल से वो आराम कर रहा है। अभी फैंसी क्रोनी की वजह से वो राजेश कलरा पकड़ा गया, तो पुलिस को जब पता है तो कुछ नहीं करते तो क्रिकेटर का क्या ले रहे हैं? क्रिकेटर इसी अभी आर्टिकल में भी सब लोग लिख रहे हैं, बुकी का नाम नहीं आ रहा, सिर्फ प्लेयरों का नाम आ रहा है, प्लेयर्स हुए प्लेड फॉर द कंट्री। चलो मैं मानता हूँ कि यू नो दे माइट हैव डन सम मिसचीफ समवेयर। आखिरकार गावस्कर ने मान लिया था कि कुछ खिलाड़ी ऐसे हो सकते हैं जो फिक्सिंग में शामिल हों। देवशीष दत्ता बस सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, कोलकाता से हमारे साथ हैं। देवशीष साहब, अब ये जो स्टिंग ऑपरेशन है, इसमें आप देखें गावस्कर के स्टेचर का खिलाड़ी, इतना बड़ा प्लेयर, उसको ये मालूम है, उनको ये मालूम था कि बुकीज के साथ टीम के लोग संपर्क रखते हैं। हमारा सवाल यही है बार बार कि ये सारी बातें टीम में इतने सीनियर लोगों को पता होते हुए भी क्यों बोर्ड के नोटिस में नहीं लाई गई, क्यों बोर्ड ने इस पर एक्शन नहीं लिया? ये आप क्या पूछ रहे हैं? मैं तो 6 साल से ही बोल रहा हूं, 10 साल से बोल रहा हूं, मैं तो ओपनली बोल रहा हूं, ये जो खुलेआम जो चल रहा है ये सबको पता है। बोर्ड वाला ने हाथ बंद करके मुंह बंद करके बैठे थे, क्योंकि उसी का भी हिम्मत नहीं है ये बंद करने के लिए। हम आपको ये बात बोल रहा हूं, आप अभी चिल्ला चिल्ली हो रहा है लेकिन ये कभी नहीं बंद होने वाला है। ये ऐसा बीमारी घुस गया है हमारा सोसाइटी में जो अभी ये रहने के लिए आए हैं। जैसे आपको चोरी डकैती आपको क्या बोले, जो जितना भी दो नंबरी काम है, दो नंबरी काम हर रोज आता है और चले भी जाते हैं, लेकिन ये बंद नहीं होने वाला है। ये साफ सुथरा के रखिए, आप कितना भी कर लीजिएगा ये जरूर वापस आएगा, क्योंकि इसमें से बहुत पैसा है और पैसा जहां है वहीं ये दो नंबर धंधा छोटा रास्ता से निकल के ऐसे काम में सब शामिल हो जाता है। नहीं, ये बातें 13 साल पुरानी हो सकती हैं और जो इंस्टेंसेस इसमें बताए जा रहे हैं वो उससे और पुराने हो सकते हैं, लेकिन वागले साहब अब मैं इसकी तुलना आज की तारीख से करता हूं, क्योंकि तब के सुनील गावस्कर आज के धोनी हो गए हैं। अब अगर तब सुनील गावस्कर को यह मालूम था कि मेरी टीम का एक लड़का बुकी से 5 लाख रुपए लेकर के घड़ी खरीदता है, उन्होंने उसके बारे में कुछ नहीं किया, आज धोनी को मालूम हो कि टीम में एक प्लेयर है जो ऐसा करता है लेकिन धोनी भी कुछ नहीं करे उसके बारे में। देखिए, थोड़ी देर पहले मैंने जब कहा था और आपने नहीं माना था, जो अभी हमारे दोस्त कलकत्ता से उन्होंने बताया कि मुझे अभी भी डाउट है कि यह बंद होने वाला है, और आप नहीं मान रहे थे तभी। लेले साहब तब बोल रहे थे कि बोर्ड इसमें क्या करेगा, बोर्ड कितने लोगों के पीछे ध्यान रखेगा। देखिए, कल एक सुप्रीम कोर्ट सीनियर रिस्पेक्टेड ऑनरेबल जज ने यह भी कहा कि बोर्ड को अपने एटीट्यूड बदलने पड़ेगी, बोर्ड कैजुअल है, पैसा इतना आ रहा है, परवाह नहीं है जो चल रहा है। मेरे को बताओ कि अगर मेरे घर में जो चल रहा है मुझे नहीं पता तो और किसको पता होगा? बिल्कुल, इससे ज्यादा और क्या चाहिए आपको? तो आज बिल्कुल ये बात है कि बोर्ड को इसमें झांकना पड़ेगा,
चलिए बोर्ड की राय ले लेते हैं। लेले साहब हैं हमारे साथ, आप सेक्रेटरी रहे बोर्ड में। लेले साहब, अभी इसमें सुनील गावस्कर ने बोला कि अजहरुद्दीन ने एक बुकी से 5 लाख रुपए मंगवाए थे घड़ी लेने के लिए, ये इंस्टेंस उनको मालूम है। आगे दिखाएंगे, रवि शास्त्री ने भी ये बात बोली कि मुझे भी मालूम था ऐसा कुछ हुआ था। इस किस्म की बातें कभी आप लोगों को बताते थे प्लेयर्स? मेरे को कुछ मालूम नहीं था, मगर गावस्कर ने अभी फिर भी बोला कि ये सब बातें दिस इज टू बी डन बाय पुलिस, कि बीसीसीआई कैन नॉट डू एनीथिंग। हम लोग कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी नहीं है, पुलिस लोगों को करना चाहिए। और इसको ख़त्म करने के लिए दो ही बात हो सकती है, एक तो बेटिंग शुड बी लीगलाइज्ड, तो थोड़ी 50% ऑफ दिस नॉनसेंस विल स्टॉप, ऐसा मुझे लगता है। मैं सच हूँ या गलत हूँ ये कोई चोरी रोकने के लिए चोरी को लीगल बना दें। हाँ, बेटिंग को लीगल बना दो, बेटिंग सब कंट्रीज में है और सब लीगल है, अपने यहाँ बेटिंग इज इलीगल। ये तर्क देते हैं लोग, देते तो है सर, ये तर्क लोग मेरे समझ में कभी नहीं आया। खैर यश जी, अब आप देखिए वही बातें हो रही हैं, सब कह रहे हैं कि ये काम पुलिस का है, पुलिस ये काम करे, लेकिन बोर्ड के पास इतना भी अख्तियार नहीं है कि करोड़ों रुपए देकर के जिस खिलाड़ी को टीम में आपने रखा है, प्लेयर बनाया है, उसके ऊपर आपका इतना भी नियंत्रण हो? देखिए, नियंत्रण तो होना चाहिए, यही तो कमजोरी बार बार सामने आ रही है, यही तो हम चर्चा कर रहे हैं। और मैं एक आपको अभी उदाहरण दे देता हूं उसका, कि वो अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए ये क्या किया है। अभी ये आईसीसी का ये चैंपियंस ट्रॉफी होगी और वो हड़बड़ाहट में बीसीसीआई ने कह दिया है कि एंटी करप्शन यूनिट का एक खिलाड़ी टीम के साथ जाएगा, जबकि आपको मालूम होना चाहिए जब आईसीसी टूर्नामेंट कराता है एंटी करप्शन यूनिट का पूरा स्टाफ वहां होता है। देखिए, तो अपना आदमी भेजने का मतलब क्या इसमें, है इसमें दो नाम अभी सुनील गावस्कर ले रहे थे, संजीव चावला, राजेश कार्ला, एक बुकी उस टाइम के बड़े बड़े बुकी हुआ करते थे। हमारे साथ धीरज दीक्षित हैं, आप सीनियर क्रिकेट फोटोग्राफर हैं, आप इनमें से किसी को जानते हैं, इन नामों में से किसी के बारे में कोई नॉलेज आपको? धीरज, देखिए वैसे मैं पिछले 13 साल से लंदन रह रहा हूं मैं, और लंदन में रहते हुए एक चीज मैंने देखी कि वहां पर संजीव चावला वेल सेटल्ड है। और संजीव चावला से मैं काफी फ्रीक्वेंटली मिला भी हूँ, लेकिन वो काफी आज की डेट में अगर क्रिकेट के टॉपिक पे अगर हम कोई बात करते हैं तो बड़ा सहम जाता है वो। अच्छा, उसने कभी कभी मुझे जिक्र तो किया करता था कि भाई अजहरुद्दीन और ये गावस्कर कुछ ये तोहफे वगैरह। तेरह साल पहले तहलका ने जो स्टिंग ऑपरेशन किया उसमें आपने देखा कैसे सुनील गावस्कर ने ये माना कि उन्हें पता था कि अजहरुद्दीन कुछ गिफ्ट्स लिया करते थे और वो ऐसे लोगों से उसके लिए पैसे लेते थे जिनका बड़ा शेडी कैरेक्टर है और जो उस वक्त भी सटोरियों के तौर पर मशहूर थे। और धीरज दीक्षित ये बता रहे हैं कि उनमें से एक संजीव चावला को वो जानते हैं पर्सनली और उन्होंने इनको ये बातें बताई हैं कई बार कि वो ऐसे ओबलाइज खिलाड़ियों को किया करते थे। हम वागले साहब के पास जाना चाहते हैं। वागले साहब, अब ये जो कहा जा रहा है कि आप बैटिंग को लीगल कर दीजिए तो ये सब कुछ बंद हो जाएगा, क्या वाकई ऐसा हो जाएगा? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल बैटिंग को लीगल नहीं करना चाहिए, नहीं तो इसका कोई अंत ही नहीं है। जिंदगी में हम कहते रहेंगे इसको लीगल, ये चीज गलत हो रही है तो इसको बैटिंग लीगल करवा लो, ये फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अग्री नहीं करता हूं कि बैटिंग को लीगल करना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो हम आज इस प्रोग्राम में डिस्कस नहीं कर रहे और कहीं पे भी डिस्कस नहीं कर रहे, इसको हम कैसे रोकेंगे? देखिए, अनकैप प्लेयर्स को आज 30 लाख रुपए मिल रहे हैं, वो अपने जो टेस्ट खिलाड़ी है उनके साथ कंपेयर करते हैं, उनको 6 करोड़, 10 करोड़, 12 करोड़ मिलते हैं। तो जो अनकैप खिलाड़ी है उसको एक टेम्पटेशन मिलता है जो बुकीज है कि तुझे सिर्फ 30 लाख मिल रहा है, तुझे मैं एक ओवर के लिए 60 लाख दूंगा। तो ये एक विशेष सर्कल है जो जिसे सैलरी कैप कहते हैं, वो एब्सर्ड है और उसे मेरे हिसाब से बाकी साहब ये बात राजीव शुक्ला जी ने भी कई आईपीएल कमिश्नर हैं कि इन खिलाड़ियों को करोड़ों रुपए मिलते हैं फिर भी ये करते हैं, इसका ये तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। पैसे का मतलब ही नहीं है, आप में लालच है, वो हर इंसान में लालच है देवाशीष दी, उसमें मैं भी कम नहीं हूं, कोई भी और कम नहीं होगा, कौन नहीं चाहता पैसा, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं मैं गुनाह करूंगा। तो इसको इस बात से जोड़ देना कि बच्चे को ज्यादा पैसे देते इसलिए बिगड़ गया, ये कैसा लॉजिक है? नहीं देखिए, मेरा कहने का इतना मतलब है कि इसका जवाब देवाशीष जी से ले लो। देवाशीष जी, हाँ, व्हाट वाज द क्वेश्चन? ये जो लॉजिक है कि लड़कों को कम उम्र में ज्यादा पैसा मिल रहा है लेकिन वो अपने सीनियर्स को देखते हैं तो उनके मन में लालच आता है इसीलिए गलत रास्ते जाते हैं, ये कैसा लॉजिक है? देखिए,
कई कई ये लॉजिक ठीक है, लेकिन देखिए हमारा सामने एग्जांपल है सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, सौरभ गांगुली, अनिल कुंबले, ये लोग भी बहुत पैसा मिला है, ये लोग भी कमाए, लेकिन कभी खेल को प्रायोरिटी को सबसे अच्छा लगा। अभी देखिए जो प्लेयर लोग आता है अंडर 19 अंडर 17 उसका सामने में अगर कोई बड़ा कोई खिलाड़ी आ गया उसका साथ खेल के अपने को अपना एक्सपीरियंस को बढ़ा सकता है, लेकिन ये सब तो दूसरा बात है। लेकिन लालच का जो बात है, ये लालच नोबडी कैन कंट्रोल, नाइदर बीसीसीआई नॉट यू नॉट मी नॉट एनीबडी, इट शुड बी स्टार्टेड फ्रॉम द फैमिली। फैमिली से आते हैं, कोच से आते हैं, एम्बियंस से आते हैं, ये कहां से वो पैदा होकर आते हैं। अभी देखिए छोटा सा छोटा गांव से आके अगर कोई बोलेगा ये सचिन तेंदुलकर को पास 500 करोड़, 1000 करोड़, 600 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़ रुपया है, हमको बनना पड़ेगा। श्रीसंत की बात कर लीजिए, वो केरला के सुपरस्टार हैं, सुपरस्टार, उनकी अपनी महत्वाकांक्षाएं भी कम नहीं थी, लेकिन उनके पास कमी भी किसी चीज की नहीं थी यशपाल जी, उन्होंने क्यों किया अगर केवल लालच ही है तो? यही तो दुखदाई है सबसे ज्यादा। देवुदा जो बात कर रहे हैं कि करोड़ों रुपए का जो पैसा मिलता है, लेकिन मैं मान सकता हूं कि लालच में आ गए जो डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं जिनको ज्यादा पैसा नहीं मिला, लेकिन श्रीशांत को क्या कमी थी? शौहरत मिली, नाम मिला, सब कुछ मिला, पैसा मिला। 2011 का विश्व कप का सदस्य रहा जब भारत ने जीता, 2008 में वो सदस्य था जब भारत ने जीता T20 वर्ल्ड कप, और उसके बाद इतनी शौहरत दो साल में वो हजम नहीं कर पाए उस जीत को। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी गलती हुई है, सबकी जिम्मेदारी है सौरभ, ये सबकी जिम्मेदारी है कि इसको जड़ से उखाड़ दिया जाए। बात करनी चाहिए, एक ब्रेक लेंगे उसके बाद बात ये करेंगे। चलो उससे पहले वाग्नेर साहब कुछ कहना चाह रहे थे, बोलिए सर। देखिए मैं इतना ही कहूंगा कि मैंने पहले के भी एक प्रोग्राम में कहा था कि अंकित चौहान मेरे बाजू के बिल्डिंग में रहते हैं, अच्छी फैमिली से आते हैं, अच्छी खानदान से आते हैं, लेकिन फिर भी अंकित चौहान इसमें ये तीनों में से इन्वॉल्व था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसको टेम्पटेशन हुई, वो 30 लाख का प्लेयर था, वो अनकैप प्लेयर था, उसको टेम्पटेशन हुई, बुकी ने आके उसे एक लालच दे दी कि एक ओवर में तो 60 लाख कमाएगा, 30 लाख तो आपको 3 महीने में कमाएगा, 1 लाख तो 60 लाख तो आप 2 मिनट में 5 मिनट में कमाएगा। तो वो टेम्पटेशन एक कैरेक्टर यहां फेंस पे आके खड़ा रहता है, मैं इस साइड में गिरूं या उस साइड में गिरूं, वो इस साइड में गिर गया और वो उसने वो स्पॉट। अब ये जो सट्टेबाज होते हैं ये किस किस्म के खिलाड़ियों को टारगेट करते हैं, क्योंकि जाहिर है कि ऐसे खिलाड़ी शायद किसी द्रविड़ के पास नहीं जाने वाले, ऐसे कद के खिलाड़ी के पास नहीं जाने वाले, कौन लोग बनते हैं इनका शिकार, इस पर बात होगी।